आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बसपा पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। पार्टी जनसभाएं और रैली निकालकर अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। वहीं चुनावों को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला है। भगवान सिंह बावा ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, इसका जवाब पार्टी देगी और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बसपा प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 7 सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पर पार्टी प्रदेश में लीडिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। भगवान सिंह बावा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हमारे 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और हमने भाजपा को सरकार बनाने से दूर रखने की रणनीति पर कांग्रेस को समर्थन देना उचित समझा, लेकिन कांग्रेस ने भी हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए भाजपा सुप्रीमो मायावती ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा अभी नहीं करेगी। आने वाले समय में जो भी निर्णय संभव होंगे वो किए जाएंगे। इसके साथ ही भगवान सिंह बावा ने कहा कि पार्टी विशेष तौर पर पूर्वी राजस्थान में विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ पार्टी का जनाधार अच्छा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी मैदान में बड़ी संख्या में सियासी पार्टियां अपने भाग्य आजमाने के लिए उतर रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश की बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये पार्टियां कितनी सीट अपने नाम करती हैं और कांग्रेस भाजपा को इनकी कितनी जरूरत होती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।